हेलो गाइस, नमस्कार सभी साथियों का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका अपडेट स्टार्ट और यूट्यूब चैनल में। विगत आप सभी को जानकारी है, विगत 1 साल से अबव हो गया है, जब भी आप बिजली कनेक्शन अप्लाई करते थे तो आपसे DDA NOC की रिक्वायर्ड की जाती थी। 1 अक्टूबर को LG महोदय ने एक आदेश पारित किया था, एक जानकारी शेयर की थी, साझा की थी कि दिल्ली में अब डिस्कॉम कंपनियां किसी से भी DDA NOC की रिक्वायर्ड नहीं करेंगी। जो भी दिल्ली के निवासी हैं उन सभी को अब विदाउट NOC बिजली के मीटर लगेंगे। लेकिन उसके साथ में ही माननीय मनोज तिवारी जी का भी ट्वीट आया था। मैं ट्वीट आपको पढ़ करके सुना देता हूँ क्या था। तो उन्होंने कहा था कि शहरी गांवों, अनाधिकृत कॉलोनियों, नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों, गोदाम फैक्ट्री के साथ सरकार द्वारा आवंटित क्षेत्रों के लोगों को बिजली कनेक्शन मीटर के लिए अब DDA NOC की जरूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से माननीय LG महोदय का धन्यवाद करता हूँ। एक दूसरा उन्होंने और कहा था कि साजिश के तहत जो लगाया गया था नियम उसको हटा दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में पश्चिम दिल्ली की सांसद माननीय कमलजीत सहरावत जी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने भी कहा था कि मैं उपराज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ। उपराज्यपाल महोदय जी ने दिल्ली वासियों को दी बड़ी सौगात। उन्होंने भी कहा था कि बिजली विभाग द्वारा नए कनेक्शन के लिए DDA NOC की मांग वाली शर्त को हटा दिया है, जिससे बिजली के नए कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। अब दिल्ली वासियों को नए बिजली कनेक्शन के लेने के लिए प्रकाश में कभी बाधा नहीं आएगी। तो इसके साथ साथ एक पेपर में भी दिया था, कटिंग आया था। इसके अगले दिन पेपर में था, नवभारत टाइम्स में। उसमें क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हेडिंग के रूप में मोटा आपको दिया गया था कि 105 गांवों और 567 कॉलोनियों को अब नहीं देना होगा DDA की NOC। और उसमें एक चीज और दिया था कि किस किस को इसका लाभ मिलेगा, किसको नहीं लाभ मिलेगा, ये भी जानकारी दी गई थी। तो उसमें क्या था मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। उसमें दिया गया था कि लैंड पुलिंग रेगुलेशन 2018 की अनाधिकृत जारी होने से पहले DDA को अनाधिकृत की गई कॉलोनियों, यानी जो 2018 से पहले अनाधिकृत कॉलोनियां थी उनके लिए जो लैंड पुलिंग में रेगुलेशन में थी, और 2021 से 21 में जो अनाधिकृत कॉलोनियां थी उनके लिए था, गांव की जमीन के लिए जो लाल डोरे में थे उनके लिए। इन सब के बावजूद भी अभी अप्लाई करते हैं 3 तारीख में, 4 तारीख में, 6 तारीख में, तो लोगों के पास जिन्होंने अप्लाई किए उनके पास मैसेज आ रहा है कि योर एरिया इज लैंड पुलिंग, आपका क्षेत्र लैंड पुलिंग में है, आपको DDA से NOC लानी पड़ेगी जब भी आपका कनेक्शन लगेगा। ऐसा क्यों? कई लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई अभी भी NOC मांगी जा रही है, हमने जानकारी किया तो कहा गया कि पूर्णतया NOC नहीं हटी है। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन आ रही है कि NOC मांगी जा रही है BSES या टाटा पावर या अदरवाइज दिल्ली की जो भी है उनमें भी जब अप्लाई करते हैं तो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं तो योर एरिया इज लैंड पुलिंग, तो लैंड पुलिंग लिख के आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा दोस्तों इसलिए आ रहा है कि माननीय LG महोदय की ओर से या दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से या हम कहें तो केंद्र सरकार की ओर से कोई भी लिखित में DDA को ऑर्डर नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि आज मंडे 7 तारीख है, आज की रिपोर्ट है, आज की जानकारी है
कि अभी तक डीडीए के पास कोई ऐसा लिखित में ऑर्डर नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि सभी क्षेत्रों में मीटर प्रोवाइड किया जाए और किसी से डीडीए एनओसी नो रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। तो दोस्तों इसीलिए ये हो रहा है कि हमसे डीडीए एनओसी रिक्वायर्ड की जाती है। साथियों कहीं ऐसा तो नहीं जो 105 गांव और 667 कॉलोनियों की बात की जा रही है, कहीं उन्हीं में तो नहीं जो है एनओसी नहीं लगेगी, बाकी सभी जगह एनओसी रिक्वायर्ड होगा? ऐसा भी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जो भी कहा गया था किसी क्षेत्र के लिए नाम नहीं था, किसी जगह का नाम नहीं था, सिर्फ ये कहा था कि डीडीए एनओसी नहीं लगेगी। तो जो मैंने जानकारी की, जो मुझे जानकारी प्रोवाइड हुई, उसमें ये आया है कि जो 2018 में म्यूटेशन का काम बंद हुआ था, जिसमें म्यूटेशन नहीं हो रहा था दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के गांवों को में रहने वाले किसानों को, अपनी जमीन ना बेच पाते थे ना खरीद पाते थे, उनका म्यूटेशन रोक दिया गया था। तो जो जो जानकारी निकल करके सामने आई है, तो एलजी माननीय महोदय जी ने वो म्यूटेशन के कार्य के लिए ही ये कहा है, ये डीडीए एनओसी के लिए अभी कहा नहीं गया, ये जानकारी आई है, क्योंकि अभी तक कोई डीडीए के पास लेटर नहीं आया है। तो इसीलिए डीडीए एनओसी रिक्वायर्ड की जा रही है, अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है। ये तभी संभव है जब गवर्नमेंट की ओर से, माननीय एलजी महोदय की ओर से डीडीए को लेटर दिया जाए लिखित में, क्योंकि डीडीए कहता है कि हमें कोई लिखित में प्रमाण नहीं मिला है। सेम कंडीशन है कि आप डिस्कॉम कंपनियों में बिजली कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे पास कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आया है। जब तक हमारे पास लिखित में ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक हम एनओसी के बगैर मीटर नहीं पास कर सकते हैं। तो साथियों अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो आपको वेट करना होगा 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, कब तक? जब तक कि उनका लिखित में कोई ऑर्डर डीडीए या बिजली कंपनियों के पास नहीं आता है, तब तक के लिए। तो साथियों अभी उस समय के लिए और वेट करना होगा, देखना होगा कब तक ऑर्डर आता है, तभी आप लोग बिजली कनेक्शन अप्लाई करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, आपके अप्लाई के चार्जेस भी वेस्ट में जाएंगे। तो ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचाया है। तो ओके गाइस, थैंक यू आप सभी का।